नीतीश कुमार चाहे कितने भी बड़े शख्सियत हो जाए, चाहे कितनी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के शपथ लिए हों, लेकिन जब भी बात होती है अनंत सिंह, जी हां छोटे सरकार की, तो अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार का कद बौना ही नजर आता है। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से फोटो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। बीते कुछ दिनों से मीडिया के डार्लिंग बन चुके हैं अनंत सिंह। ऐसे में लगातार कैमरा उन्हें फॉलो कर रहा है, हर एक अपडेट्स, हर एक कहानी, हर एक रहस्य निकालने की कोशिश कर रहा है अनंत सिंह का। क्योंकि एक ऐसा नाम बन चुके हैं बिहार में अनंत सिंह, जब से उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार वो MP का चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से सवाल पूछने पर अनंत सिंह ने कहा है कि लड़ेंगे तो गठबंधन से, लेकिन वो गठबंधन NDA नहीं होगा। तो इससे साफ तौर पे अनंत सिंह कहीं ना कहीं अपना दिलचस्प महागठबंधन में दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात और कहा अनंत सिंह ने मीडिया के सवाल पूछने पर कि अगर महागठबंधन मुझे टिकट नहीं भी देता है, फिर भी मैं मुंगेर से ही लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूंगा। निर्दलीय की बात से याद आया कि आपको याद होगा कि अनंत सिंह जेल में थे और उस दौरान विधानसभा का चुनाव था। इस चुनाव में निर्दलीय लड़े अनंत सिंह और 20,000 यानी कि जेल में बैठे बिना कोई चुनाव प्रचार किए वो 20,000 जो कि एक रिकॉर्ड वोट है उससे जीते थे। खैर, मुंगेर की सीट इस वक्त चर्चा में है और वहाँ की MP वीना सिंह अब नवादा से लड़ेंगी, क्योंकि JDU शायद आने वाले वक्त में वहाँ जो टिकट देगी, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ललन सिंह होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन अनंत सिंह को टिकट देता है, और अगर नहीं देता है तो जो शख्सियत है, जैसा नाम है अनंत सिंह का, और जैसे जेल से उन्होंने निर्दलीय लड़कर एक रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की थी, और अगर वो निर्दलीय आते हैं तो इस निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद क्या वो महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे, या एक बार फिर जो दिल में करवाहट है नीतीश सरकार के प्रति उसे वो भुलाकर NDA को समर्थन देंगे। खैर, आप जुड़े रहे न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइफ में। हम आपको इससे जुड़े हर अपडेट्स को बताएंगे। बने रहे न्यूज़ बिहार साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।